उसको फ्री का फुकुट का चाहिए वो राखी सावंत को उसको फुकुट का चाहिए फुकुट का मुझे ये देना मुझे ये देना मुझे ये देना काय का ये दे मतलब फ्री, फ्री का मिले तो तुम ये होटल लो ये होटल लो वो होटल लो इसने तो कुछ मंगा ही नहीं मेरे से मैं तो बोलता हूँ दुबई में उसके वजह से गौर खान गुस्सा हो गई थी पूछेगा गौर खान को मैं तो बोलूँ राखी सावन दी है वो कितना लिए है वो नहीं मालूम मुझे लेकिन उसने दिया है गौहर खान मेरे शो में आया था गुस्सा हो गया था चला गया था बोलता है ये इनके हाथ से ये क्या कर रही है ये यहाँ से ट्रॉफी हा, वो हटा रहा है यहाँ से वो तौ, वो ट्रॉफी हटा रहा है मतलब राखी सावंत तो यहाँ से तो, तो, वो ट्रॉफी हटा रहा है इसको दो उसको दो उसको दो उसको दो क्या है तुम खुद कर रहा था वो आदिल नहीं कर रहा था जो स्टिकर को निकल के राखी सावंत ने सबको एवॉर्ड दिया है आदिल ने नहीं दिया एवॉर्ड नेकल्स ले लिया उसने सब कुछ खरीद लिया और मेरा पैसा से भाई मैंने टिकट दिया आदिल को भी दिया टिकट राखी सावंत को भी दिया उसकी माँ को भी दिया उसके भाई को भी दिया उसका भाभी मतलब छ टिकट दिया मैंने बच्चे को भी टिकट दिया उसकी दम है क्या छे लोग को लेके आने के लिए आप किसी को भी आके फेल देते हो किसी का भी नाम पे फेल देते हो दादा साहब फालके को फेल देते हो कल्याण जी जाना को फेल देते हो दो लाख में बिकाऊ है और वो कैसा बोल सकता है मेरा मैं कैसे करके मेरा आज क्या मैं चुन के यहाँ तक आया हूँ वो कैसा वो, वो ये बोल सकता है जो कल्याण जी तुम पैसा लेते हो रात से फाल मैं ब्रांड बनाया मतलब मेरा नाम खराब हो रहा है आदिल थर्ड पर्सन है आदिल बात की बात है पहले तो मेरा है भाई ब्रांड मेरा है एनजीओ मेरा है आई एम द फाउंडर पर्सन उसके ऊपर मैं केस करेगा अभी आ, हाई आदिल बहुत बहुत स्वागत है कल्याण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग आए हैं आप आए हैं दादा साहब फालके में जो कि कल्याण जी, जी जी दिवागे। और कल्याण जी ऑर्गेनाइज़ करते हैं इससे एक चीज़ जो है वो ये याद आ रही है कि राखी सावंत ने आ, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि आदिल जो है वो दो लाख रुपये में कल्याण जी अवार्ड बेचते हैं और आदिल अवार्ड जो है वो उसमें आदिल भी हिस्सेदार है और कुछ इसी तरीके से जो है वो दो दो लाख में दिल कल्याण जी के दादा साहब फालके के जो अवार्ड हैं वो बेचते हैं और वो बिकाओ अवार्ड रहते हैं तो ये स्टार्ट करेंगे फिर उसके बारे में जो है मैं बताऊंगा ये जो इनके ओनर हैं जो ये मेहनत से ये अवार्ड चलाते हैं जिसको प्रॉपरली अवार्ड देने से पहले पहले एक नॉमिनेशन होता है ऐसा नहीं कि कोई भी आके दो लाख रुपए देता है और अवार्ड नहीं मिलता पहले अवार्ड की इज्जत करो वो किसके नाम से अवार्ड शो बना रहे हैं तो उनका सबसे पहले इज़्ज़त करना सीखो तो ऐसा नहीं कि जो आप एलिगेशन कर रहे हो किसी भी इंसान पे आप इतना आसानी से एलिगेशन ना करो नंबर वन नंबर टू एक अवार्ड का प्रोसेस होता है जैसे आप लोगों को भी पता है सबसे पहले एक लिस्ट होता है एक नॉमिनेशन होता है इनके अवार्ड एक से दो बार मुझे भी मिले काम में जब मैं आज आया हूँ मेरा कोई अभी काम नहीं है तो मुझे अवार्ड नहीं मिला है मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि जो एलिगेशन लगा था उस एलिगेशन के बारे में मैं बात करने में आया हूँ टू तो स्टार्ट विद प्लीज़ आप उनके ओनर से पहले बात कर लीजिए फिर मैं बात करूँगा इसके बाद और राइट कल्याण जी आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि राखी सावत ने इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पर भी लगाया है आप क्या कहना चाहेंगे देखो दुनिया में उसने बहुत कुछ बोला दुनिया को बहुत कुछ किया लेकिन ये कल्याण जी हैं ये अलग चीज़ है कल्याण जी शेर है गिद्धर नहीं है और जो मुझे जो बोला गया है मेरा दादा साहेब फालके एक एन है सबसे पहले मैं बोल दूँ मैं कितनी लोगों को मैंने भगवान की दुआ से महादेव की दुआ से मैंने भंडारा चलाया अंधेरी आदर्श नगर में तब क्यों नहीं बोला तब राखी सावंत क्यों नहीं बोला मेरे को तब कहाँ था वो जब मैं लोगों को जब हेल्प कर रहा था तब कहाँ था राखी सावंत जब मैं गरीबों को आर्टिस्ट को सबको अनाज दे रहा था लॉकडाउन में घर घर जाके तब कहाँ था वो तब होना चाहिए था ना जो कल्याण जी अच्छा काम कर रहा है हैं तुम कुछ भी बोल के तुम मेरा नाम खराब करोगे दादा साहेब फालके आईको फिल्म जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है मेरा एक एन है मैं टैक्स भरता हूँ और मैं कोई पैसा ले करके अवॉर्ड नहीं देता हूँ मैं मैं पिसना से यहाँ से मांग के वहाँ से मांग के दुबई में शो करता हूँ मैं ऐसा नहीं है जो मैं दो लाख रुपए या तीन लाख पाँच रुपए ले भाई हर अवॉर्ड शो में पैसा लेता है ऐसा कौन सा अवॉर्ड शो नहीं है जो पैसा नहीं लेता मुझे दिखा दो हिंदुस्तान में से कौन सा अवार्ड शो है मुझे दिखा दो जो पैसा नहीं नहीं लेता है और और, और, और शो करता है। कितनी बड़ा शो शो हो स्पॉन्सर होता है अवार्ड का पैसा नहीं तो स्पॉन्सर होता है तो स्पॉन्सर आप कैसा बोल सकते हो जो भाई दादा साहेब फालके स सा... ये आदिल छोड़ दो आदिल तो बात की बात है तुम कैसे बोल सकते हो जो दादा साहेब फालके को तुमने पैसा से बेचा मतलब मेरा नाम खराब हो रहा है आदिल थर्ड पर्सन है आदिल बात की बात है पहले तो मेरा है भाई ब्रांड मेरा है

मैं तो बोलता हूँ दुबई में उसके वजह से गौर खान गुस्सा हो गई थी पूछेगा गौर खान को गौर खान मेरे शो में आया था गुस्सा हो गया था चला गया था बोलता है ये इनके हाथ से ये क्या कर रही है ये यहाँ से ट्रॉफी वो हटा रहा है यहाँ से वो टौ, वो ट्रॉफी हटा रहा है मतलब राखी सावंत तो यहाँ तो, से वो ट्रॉफी हटा रहा है इसको दो उसको दो उसको दो उसको दो क्या है तुम खुद कर रहा था वो आदिल नहीं कर रहा था राखी सावंत खुद कर रहा था उसके लिए गौर खान गुस्सा हो गई थी मेरे दुबई में मेरी शो में मैंने मेरी टीम जाके उसको संभाल के वो लेके आया तो ये आदिल नहीं है वो वो खुद ही मेरे को भाई 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 मुझे भाई बोलता भाई 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 ये ये अवार्ड है आप अब इसको दो उसको दो उसको दो आदिल नहीं है आदिल तो चुपचाप बैठा हुआ था सेकेंड नंबर बोर ये सिमर आदिल था उसके बाद वो सिंगर वो थोड़ा सा वो सब थे वहाँ पर ये तो इसको दो कल्याण जी इसको दो मेरी वाइफ भी थी मेरी वाइफ भी ये इसका ये गवाह है मैं तो बोलूँ आदिल नहीं है उसने बेचा है आदिल नहीं बेचा है वो अवार्ड जो दुनिया को दिया है दस पंद्रह एवार्ड किस को दिया है बोलता नहीं ये मेरा ये है ये मेरा वो है ये मेरा वो है ये मेरा बाजू वाला है तो बाजू वाला को तू दुबई में मैं अवार्ड दूँ मैं तो बोला आदिल नहीं है राखी सावंत बेचा है मैं तो आपको इतना बोलता हूँ वो जो बार बार जो पीछे से जाके ट्रॉफी को ट्रॉफी का स्टिकर था वो खोल के ऐसा स्टिकर को खोल के इसको दो अरे स्टिकर इसका मत खोलो ये आया है मेरा शो में मैं उसको टिकट दिया है वीजा दिया आया है होता क्या है जब एक अवार्ड देते हैं नॉमिनेशन होकर तो उनका नाम होता है फॉर एन एग्जांपल आदिल को देना है तो नाम लगा आदिल खान दुरानी को किस नाम से दिया जाता है तो ये क्या करते थे बैक स्टेज जाके स्टिकर को निकाल देते थे और दे देते थे जब ये आके देखे थोड़ी देर बाद स्टिकर नीचे गिरा था ये मुझे बुलाए ये मुझे बुलाए भाई इधर आओ ये बंदा यहाँ बैठा है इसका नेक्स्ट बुलाए ये तो अवार्ड दे दिया है अभी मैं क्या करूँ तो मैं उसको साइड तो में बाई है मैं जल्दी से अवॉर्ड नहीं मांगा सकता हूँ मैं गिन के ही मैं अवॉर्ड लेके गया स्टिकर तुम निकाल दोगे स्टिकर वो नीचे पड़ा हुआ था मिट्टी में आप बताओ स्टिकर पड़े रहेगा स्टिकर खराब हो जाएगा मैं कैसे उसको देगा ये तो सिद्धि विनायक से मैं बनाता हूँ सामने बनाता हूँ चलो एक फ़ोन कर दिया यहाँ पर आ गया दुबई में कौन लेके आएगा सब स्टिकर स्टिकर खाली अवॉर्ड खाली पड़ा हुआ है आर्टिस्ट कोई लेगा खाली खाली स्टिकर का दुबई गई है मेरे मेरे पास सौ लेन के लिए मैं तो बोलूँ राखी सावन दी है वो कितना लिए है वो नहीं मालूम मुझे लेकिन उसने दिया है दो लाख इसने नहीं मैं आपको लिखा रहा हूँ कितना पैसा लिया उससे मतलब ये मतलब नहीं है मुझे इतना पता ही नहीं है किससे कितना रुपये लिया मैं तो इतना बोल सकता हूँ सिना ठोक के जो स्टिकर को निकल के राखी सावंत ने सबको एवॉर्ड दिया है आदिल ने नहीं दिया एवॉर्ड ना आदिल मुझे दो लाख रुपए दिया कल्याण जी ये दो लाख रुपए ले भाई मैंने टिकट दिया आदिल को भी दिया टिकट राखी सावंत को भी दिया उसकी माँ को भी दिया उसकी भाई को भी दिया उसका भाभी मतलब टिकट दिया मैंने बच्चे को भी दिया टिकट दिया उसकी दम है क्या अच्छे लोग को लेके आने के लिए उसको फ्री का फुकुट का चाहिए वो राखी सावंत को उसको फुकट का चाहिए फुकट का मुझे ये देना मुझे ये देना मुझे ये देना काय का ये दे मतलब फ्री, फ्री का मिले तो तुम ये होटल लो ये होटल लो वो होटल लो ये इसने तो कुछ मंगा ही नहीं मेरे से ये तो चुपचाप रहता था जब मैंने राखी सावंत को जब मैंने मिला था जब मुझे इनसे मिला ये तो चुपचाप था ऐसे चुपचाप रहता था बराबर तो राखी सावंत वो करता वो जैसा मीडिया में करता है बराबर 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 तो मैं आपको इतना इतना कह सकता हूँ इनसे दो लाख रुपए नहीं मैं तो राखी से बोलेगा और कैसा बोल सकता मैं माना नहीं कैस करेगा मेरे इतने बड़ा ब्रांड को वो कैसा बोल सकता किसने उसको पैसा दिया क्या जो मेरे बारे में विरुद्ध में बोलने के लिए मुझे लगता है किसने पैसा दिया रहेगा जो भाई बोल कल्याण जी के बारे में दास साहब फाल के बारे में इनकी बात छोड़ दो मेरा ब्रांड कैसे तुम खराब कर रहे हो क्या एक दो लोगों के नाम बता सकते हैं जिनको राखी ने अवार्ड दिया भाई बहुत लोगों को दिया एक दो नाम नहीं है वो तो सबको दे रहा था अभी तुमने देखो अभी देखो मैं कल्याण जी अभी अभी दुबई में किसी को बुला लिया वो सबको निकाल निकाल के दे रहा है अभी मुझे नहीं पता ना लिस्ट में है ही नहीं है नाम अभी देखो आप सीधा सा मीडिया को मैं बोलता हूँ ट्रॉफी का अगर तुम निकाल के दोगे तो मतलब उसका लिस्ट में नाम नहीं है जब तुम टिका निकालते तो मतलब नाम नहीं है नाम नहीं है मतलब मुझे मालूम नहीं है अनजन आदमी है तो अनजन आदमी को दिया रहेगा वो लेकिन कमाए तो वो नेकलिस ले लिया उसने सब कुछ खरीद लिया और मेरा पैसा से नेकलेस खरीदा मेरा पैसे से ये देखो मैं नेकलेस पहना हूँ ये देखो मैं ये पहना हूँ नाटंगी नहीं किया ये देखो मुझे आदिल ने नेकलेस दिया है ये मुझे ये दिया है मैं तो बोलूँ वो पैसे से उसने नेकलेस मेरा पैसे से लिया हुआ है ये मेरा पैसा है मैं बोलता हूँ आज दुबई का सो so, आदिल एक बार फिर यू you नो know, आपके सपोर्ट में आ, आके कल्याण जी खड़े हुए हैं और एक और एलिगेशन आपने सर, सच्चाई है ये सपोर्ट की बात इसमें है ही नहीं देखो वो इंसान को इतना गुस्सा आया है देखो फॉर एन एग्जाम्पल कुछ आपसे कुछ एलिगेशन होती है कुछ आपकी गलती होती है आप उनके कैरेक्टर पर बात कर रहे हो पहले आप झूठे झूठे एलिगेशन लगा okay. आप कोई थर्ड पार्टी को लेके आके उनके एलिगेशन लगाते हो आप कोई राष्ट्रीय को लाते हो कोई शर्लिन चोपड़ा के नाम से डालते हो इनके ऊपर देखो इनके ऊपर भी कुछ बोल रहे कल्याण जी ने कुछ किया है, चलता है इनका तो ब्रांड है आप सबको पता है मीडिया को मैं कितने कुत्ते की तरह मेहनत करता हूँ क्या है रात भर मेहनत करता हूँ मैं सोता नहीं हूँ खाना नहीं खाता सबको पता है यहाँ तक आया हूँ वो कैसा वो, वो ये बोल सकता है जो कल्याण जी तुम पैसा लेते हो रात से फाल के ब्रांड बनाया भीख मांग मांग के मैंने ब्रांड बनाया और तुम कैसा तुम बोल सकते हो तुमको बहन बोलता होदी बोलते हो तुम क्या समझते मेरे को मैं खाली इतने तो ही बोलना चाहता हूँ मीडिया को इदर, अभी इदर खड़ा हूं मैं जो। मेरा बहन को मत खराब करो राखी सावन सबको खराब किया है मुझे नहीं खराब कर सके क्योंकि मैं महादेव का बच्चा हूँ इसको लेके चलता हूँ मैं वो दिन भर हर छः महीना में अपना वो रिलीजन चेंज करता है मैं नहीं करता हूँ मैं प्योर हिंदू हूँ देखो लेके घूमता महादेव मैं रिलीजन चेंज नहीं करता हूँ मैं मैं सीधा बोलता हूँ सीधा ठोक के बोलता हूँ आई एम महादेव तो मैं महादेव का कसम खा के बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग मेरे ऐसा मत करो मैं मीडिया को इतना बोलता हूँ छोटा आदमी मैं गरीब आदमी हूँ कमा कमा के यहाँ वहाँ से भीख मांग के मैं अवॉर्ड शो करता हूँ लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरा मेरा बुरा ही मत करो और ना ही इसने मुझे दो लाख में बेचा है ना इसने कुछ किया इसने कुछ नहीं किया ये तो चुपचाप था इसको मिल के सिर्फ तीन दिन हुआ था खाली मेरे को राखी सावंत ने घर पर बुलाया उसको मिलाया एक बार मुझे और एक बार वो मीटिंग करने मिलाया और वो शो में आया बस एयरपोर्ट में तो मैं गया नहीं था हाँ एयरपोर्ट में गया था बस चार बार खाली सिर्फ चार बार इनसे मिला अब चार बार में डील कर लेगा इससे मैं और किसको बेचा मैंने पाई दिखाओ मुझे वो आदमी खड़ा करो जिसको दो लाख में दिया चलो जिसको मैं दो लाख में दिया है दो लाख रुपये बैंक होगा ना बैंक चेंज बैंक बैंक होगा ना बैंक में बैंक में दिखाओ जो कल्याण जी जाना दो लाख रुपये दिया बैंक में या आदिल ने बैंक में खड़ा करो भाई दो लाख रुपये कल्याण जी ने लिया वो बैंक पे स्टेटमेंट दिखाओ और बोलो कल्याण जी के सामने नहीं तो एटलीस्ट हिम्मत है तो सामने आके बोलो हाँ, मैं सामने आ जाएगा राखी जब बुलाएगा मैं सामने आ जाएगा इतना हिम्मत है मेरे अंदर हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहूँगा कि दूसरों को डिफेम मत करो दादा साहब फाल्के एक ब्रांड है एटलीस्ट वो ब्रांड के बारे में आप सोचो आप ये किसी को भी नहीं कह सकते कि वो दो लाख में लिया देखो एक अवार्ड कभी भी पैसों में नहीं बिकता हाँ उसके स्पॉन्सर्स होते हैं उसकी चीज़ें होती हैं वो अलग बात है किसी को अभी आप आएंगे आप दो लाख रुपए देंगे आपको अवार्ड दे देते हैं ऐसा नहीं होता है अवार्ड काम की वजह से होता है सोशल वर्क की वजह से होता है अच्छा खेलेगा दो लाख रुपए दे देगा बच्चे खेले कोई और दो दे देखो दे दे कोई ये देखो मेहनत करते हैं दुबई जाते हैं स्पॉन्सर्स लेते हैं एक अवार्ड शो करने से पहले कम से कम एक से डेढ़ साल पहले उसकी प्लानिंग चलती है उसकी मेहनत ऐसे नहीं की कितना रोता हूं फ्लाइट लेके गए भाई मैं के बोलता हूँ ये फ्लाइट लेके गए हुआ और लास्ट टाइम जब इनका अवार्ड हुआ था लास्ट बट लास्ट टाइम जब मैं था मैं एविडेंट हूँ ये बेचारे बहुत रो रहे थे बिकॉज एक प्रॉब्लम हो गया था तो उन्होंने क्या किया था अब भूल गए आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ उनका अवार्ड शो का कुछ कैंसिलेशन आ गया था तो वो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ मैं जाके सॉल्व करके दे रही हूँ ये भी बोल के कुछ अमाउंट इनसे लिया था कि मैंने परमिशन दिलाया है आज भी वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा लेकिन परमिशन हालांकि इन्होंने ही लिया था तो इतना बड़ा एलिगेशन लगाने से पहले कि आदिल उनके अवार्ड बेचता है तो उनके बारे में क्या इनको इतने लोगों ने मैसेज किया ये बोले कि नहीं कि आपका अवार्ड बिकता है ये बोल के कि भाई क्या है ये ये कैसे आपके बारे में गंदा बोल सकते हैं ये कैसे आपके बारे में गंदा बोल सकता है इन्होंने मुझे बोला प्लीज़ आप आइए मीडिया के सामने मुझे कन्फेशन नहीं करना है, है आपका जो है पर्सनल है आपका जो है पर्सनल मामला है वो मुझे कोई लेना देना नहीं है ये मेरे पे क्या एलिगेशन लग गया है मैं इतना मेहनत से एक अवार्ड मैं डेढ़ डेढ़ साल मेहनत करता हूँ अभी इनका कोई दुबई में अवार्ड शो आ रहा है ये डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं मैं ये मुझे मिले थे रिसेंटली दो दिन पहले मैं बोल रहा हूँ रात में खाना कोई खा नहीं रहे हैं ये बोल रहे नहीं नहीं भाई मुझे अवार्ड का वो करना है मैं बोला इतनी मेहनत कर रहे हो ये ये बेचारा रोता है उस टाइम में मुझे हम स्टार में मिले थे रोके बोलता है भाई तुम्हारी बीवी मैंने बोला बीवी मत बोलो जो भी है उसने एक किया है मेरे साथ मेरी इज्जत का बोलो मेरी मेहनत को आप एक सेकंड में कि, आप किसी को भी आके पेल देते हो किसी का भी नाम पे फेल देते हो दादा साहब फालके को पेल देते हो कल्याण जी जाना को पेल देते हो दो लाख में बिकाओ है ऐसे मत करो ये होता नहीं है दो लाख रुपया एलिगेशन है क्या और देखो ठीक है दो लाख में किसी को बेचा है एक एविडेंस है आपके पास आपके पास क्या बैंक स्टेटमेंट है उन्होंने क्या बोला आदिल ने किया आदिल आके आज खड़ के गवाही दे रहा है किसका किया कल्याण जी का कल्याण जी इधर खड़ा है दिस इज ऑल अबाउट इट आप किसी के भी कुछ भी एलिगेशन आप नहीं लगा सकते हो एलिगेशन बहुत बड़े हो जाते हैं अगर इन्होंने आप सोचो आप सोचो इन्होंने कुछ कर लिया इन्होंने कुछ ये रो रहे हैं आज बहुत रो रहे हैं इन्होंने कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार कौन आप लोग मुझे बताइए वो कोई कल गरीब मिला था अगर वो मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन ये मेरा भाई पोट्रे करता है मैं गरीब हूँ लेकिन इन्होंने जो भी बनाया बहुत मेहनत से बनाया है लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं ये ये बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये गरीब हैं ये बहुत आगे से आए हैं और राखी सावंत में एक बात बोलना चाहूँगा आपको जो इंसान गरीबी से ऊपर आता है ना उसको डर नहीं होता वापस गरीबी में जाने में ये मत तुम सोचो कि हर इंसान बिकाऊ होता है और हर इंसान कुछ भी कर सकता है इट इज़ नॉट लाइक दैट आप किसी का नाम लेके उनको डिफेम मत करो कल एक और इल्जाम आप पर लगा है उनके सोशल मीडिया को डिलीट करने का इंस्टा अकाउंट को डिलीट इंस्टा करने अकाउंट का जो है इतना बोलूँगा एक लाइन में वो झूठा है उसके बारे में मैं कल बात करूंगा वो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक और मुद्दे में आया हूँ मेरे मुद्दे में मैं एक प्रॉपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ विद प्रूफ हमने क्या क्या किया है हमने क्या क्या किया है कौन से कौन से हमने कंप्लेन किए इसके